पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2021, यानी कि दोस्तों वैसे छात्रों छात्राएं जो 2019, 20 और 2021 में मैट्रिक पास कर चुके हैं, उन तमाम छात्र वो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दे सकते हैं और इस स्कॉलरशिप का पैसा ले सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको स्कॉलरशिप आवेदन देने में एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगता है, जो आपको जिस कॉलेज में आप फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं वहां से आपको बनवाना होता है। बट वहां से एक कंडीशन रहता है कि आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा फिल करना है। अगर आप 10वीं वर्ग पास किए हैं उसके बाद 11वीं में आप एडमिशन न्यू छात्र लिए हैं तो वहां से आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे। उसके बाद अगर आप 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस फॉर्म को आप डाउनलोड कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आप यहां पर देखते हैं मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कई सारे यहां पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। सो आप यहां पर देखते हैं बारीकी से, कई स्टूडेंट का मैंने यहां से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिया और मैं आपको दिखाता हूं जो एक ही कॉलेज से है। मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको सारी जानकारी यहां से शेयर करने वाला हूं। सो आप यहां पर देखते हैं, सबसे पहले आप जिस डेट में इसको आप फिलअप कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर भरना, उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेज जो भी है आपका नाम मार्कशीट पर है उसी तरह से आपको स्पेलिंग यहाँ पर भरना होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। आप मान लीजिए अगर आप 10वीं वर्ग पास किए हैं 11वीं में एडमिशन लिए तो कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना है। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना होगा, अपने 10th क्लास का जो भी आपके मार्कशीट पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो फिलअप कर सकते नहीं भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका 12वीं कक्षा में जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल गया होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है वो भर देंगे। और जिस भी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी कॉलेज में आप अभी इसका जो आप यहाँ पर देखते हैं सिग्नेचर और मोहर है इस तरह से किया गया है उस तरह से आपको अपने कॉलेज से करवाना होगा जिसमें आप प्रिपेयरिंग पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद आप यहां पर देखते हैं कि स्टडी इन जिस भी क्लास में 11th में 11th देना है। उसके बाद आप यहां पर देखते हैं आर्ट्स साइंस कॉमर्स जिस भी सब्जेक्ट है इस तरह से फिल कर लेंगे। या दोस्तों आप 12th क्लास पास कर चुके हैं, बीए में एडमिशन लिए हैं तो फिर भी आपको बीए वाले कॉलेज में नहीं, आपको 12th यहां से पास किए उसी कॉलेज से आपको ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होगा और 12th पास आप यहां पर डिटेल्स भरेंगे। सो आप यहां पर देखते हैं क्योंकि दोस्तों अभी आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए तो वहां से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला होगा। उसके बाद आप यहां पर देखते हैं एकेडमिक ईयर, इसमें आपको अगर 12th पास मतलब 12th में ये छात्र हैं 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है, यानी इसका एकेडमिक ईयर 2020 से लेकर 22 है, यानी 22 में इनका इंटर फाइनल होने वाला है तो इस तरह से अपने अकॉर्डिंग इसको आप भर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड मार्कशीट जो भी है उस तरह से यहाँ से भर लेंगे। उसके बाद आपके पिताजी का नाम और माताजी का नाम जो भी आपके मार्कशीट में स्पेलिंग से तो उस तरह से भरेंगे। गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि दोस्तों गलती करने से ही आपके स्कॉलरशिप में दिए गए आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके डेट ऑफ एडमिशन आप भर सकते हैं, आपके रसीद में दिया होगा अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आपको मिला होगा एडमिशन रिसिप्ट जब आप 11th क्लास में एडमिशन लेंगे 2020 का डेट होगा वहां पर देखते हैं अगर आप 12th पास कर चुके हैं। उसके बाद आप यहां पर देखते हैं आपको अपने कॉलेज का जो भी है प्रिंसिपल सर जो भी डायरेक्टर है उनका यहां पर मोहर और सिग्नेचर इस तरह से होना चाहिए। सो आप यहां पर देखते हैं कब ये मोहर सिग्नेचर कराया गया और उसके बाद आप यहां पर देखते हैं कॉलेज के जो भी प्रिंसिपल है, फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखते हैं विनोद कुमार सिंह यहां पर नाम दिया गया है प्रिंसिपल सर का, तो इस तरह से यहां पर विनोद कुमार सिंह नाम यहां पर आप भी भर सकते हैं। डेस्टिनेशन में आप यहां पर देखते हैं प्रिंसिपल आपको दे देना, प्रिंसिपल सर का मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर देंगे, उसका ईमेल आईडी देंगे। फिलहाल यहां पर उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है, कई कॉलेज में जाते हैं छात्र लेकिन वहां पर वो सिग्नेचर मोहर नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, वहां पर जाते हैं मैं बोनाफाइड पर सिग्नेचर करने लें लेकिन वहां से मुझे सिग्नेचर नहीं करते हैं, तो इस तरह से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी मन में कोई डाउट है, कई छात्र ये भी पूछ रहे हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ पर टू बी प्रिंटेड एंड ऑफिशियल लेटर पैड ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट, यानी दोस्तों जो भी कॉलेज बड़े कॉलेज हैं इंस्टीट्यूट हैं उनके अगर छात्र हैं तो आप इसमें यहाँ पर अपना जो भी है इस तरह से दस्तखत और मोहर करवा सकते हैं, अन्यथा दोस्तों इसको ज़रूरी नहीं है, किसी एक जगह आप करवा लेंगे, इस तरह से आपको अपलोड करना होता है। तो फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस डाउट्स बन रहा है तो नीचे अभी ही वीडियो कमेंट के माध्यम से पूछते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ।